کوئی کہا جاتا ہے پھل بند نہیں ہے تو پرانے میں ہر جا نہیں رہتا ہے جب تک سنتے وہ نہیں ہے تب تک کسی کو دھندے سے نہیں پرانے سے جب دیکھو کہ سردی سے ہو گیا نئے تو بن گیا دھندا چھڑانے میں ہر جا نہیں ہے یگ کی سروس کرنے سے بھی بہت پراپتی ہوگی جاتی ادھورا سب سے جاتی دے کر بن والا کون ہے بابا بابا سے جات کی ویتن کوئی دے نہیں سکتا بہتوں کو کلیان کرے دن پرتی دن پردرشنی میں سروس کی بہت وردھی ہوگی بابا بیجز بھی بنوائے رہے مجھے بیجز کون سے ہے کسی کے ساتھ بیج ہے بیج نہیں ہے مل رہا ہے مل گیا کہ نہیں مل گیا پاکٹ میں پڑا ہوا ہے پاکٹ میں پڑا ہوا دکھا پاکٹ میں نہیں کوئی پاکٹ اور کون سی نئے چولہے آپ کو جڑ بستروں کی پردرشنی کرنی ہے نہ کوئی پھول چتر ہے نہ اس چتر کو کوئی پاکٹ میں اسکول میں ڈالنا ہے پھول باتیں تو اسکول دنیا والوں کی ہماری تو وید کی باتیں اس مورتی میں کون سے چتر ہیں وہ بدھ کی پاکٹ میں پڑے ہوئے ہیں تو پتا ہے بس آپ دادا دو ہی ہوں مورتی کہاں ہوئی چیزیں ہم سے وشنو ہم خود ہے اچھی ترمورتی ہوئی سمجھاؤ ترمورتی یہ برہما یہ شنکر ہم دیکھ لو ایسے ہی بتاؤ سمپن ہم بن گئے نہ برہما سمپن نہ گنگر کو بھی سمپن کوئی دیکھ سکتا ہے وشنو کو سمپن ہے تو خوب بڑائی کر دی ہوگی ترمورتی کا بیج دکھڑی میں وشنو کی پاکٹ میں پڑا رہے مانا تینوں آتماؤں کا جو پریکٹیکل پارٹ ہے وہ ہماری بدھی میں بیٹھ گیا بابا نے بولا نا ترمورتی کا چتر ایکوریٹ نہیں ہے تو بچوں کو ترمورتی کا چتر ایکوریٹ بنانا چاہیے برہما وشنو شنکر تینوں کا ایکوریٹ کیوں نہ بنا اس میں برہما کا تو ہے لیکن وشنو اور شنکر کا ایکوریٹ کیوں نہیں کیونکہ جو فیچر دیا ہوا ہے چہرہ وہ برہما کا ہی دیا ہوا ہے تینوں جگہ جیسے بھکتی مارگ کہتے ہیں ترمورتی برہما وہ تو رنگ بتایا مجھے شیو کی رچنا ہے تین تو باقی جو دو مورتیاں ہیں وہ بھی اصلی ہونی چاہیے نا تو وہ بدھی میں ہیں وہ بھی ہونی چاہیے تو بابا بیجز بھی بنوائے رہے ہیں آپ کی بدھی روپی پاکٹ میں ڈالنے کے لیے کہاں بھی جاؤ تو اس پر سمجھانا یہ برہما یہ وشنو اور یہ شنکر یہ باپ اور یہ دادا روپی میں کیا سمجھاؤ یہ باپ یہ دادا اور یہ باپ کا بس کون باپ ہوا کون دادا ہوا کون باپ کا برتا ہوا ترمورتی میں باپ کون ہوا دادا کون ہوا برتا کون ہوا باپ شنکر باپ نہیں ہو گیا شنکر میں شنکر کے سوروپ میں باپ سمایا ہوا جن کی باپ
सुप्रीम सोल और दादा ब्रह्म और वर्षा विष्णु। आप पाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। ब्रह्मा को याद करने से पावन नहीं बनेंगे, मुझे याद करो तो पावन बन जाओगे। मुझे याद करो और क्या याद करो, वर्षे की याद करो। तो जिसको याद करेंगे वो बुद्धि में पूजनी भी होना चाहिए। तो संसार में पूजा कौन सी मूर्तियों की होती है? दो मूर्तियों की पूजा होती है, शंकर की और विष्णु की। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। गीता में भी मां में कम याद करो, सिर्फ उनमें मेरा नाम हो रहा है, बच्चे का नाम दे दिया, मेरा नाम उड़ा दिया। कौन सी गीता जो हमारी गीता है? ब्राह्मण विधिनियम, उसमें नाम किसका दे दिया? कहाँ दे दिया? पिता श्री ब्रह्मा और कहा जाता है, उनका नाम डाल दिया है ना। शिव बाबा याद है, उसको पहले पिताश्री जोड़ दिया, माना पिताश्री शिव बाबा। तो मेरा नाम उड़ा दिया और बच्चे का नाम ऐड कर दिया। मम्मा जब तक जीवित थी, ये किसी कंट्रोलर थी, तब तक पिताश्री शब्द मुखियों में नहीं था, बाद में फिर ऐड कर दिया। भारतवासियों को ये भी पता नहीं है कि राधे और कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। संबंध पूछ रहे हैं तो कोई संबंध होना चाहिए ना। ये कोई संबंध थोड़े हुआ कि राधे कृष्ण बड़े होकर के लक्ष्मी जान बन जाएंगे। बड़े हो जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का संबंध स्त्री पुरुष का हुआ, पति पत्नी का हुआ, राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है? उनकी शादी आदि की हिस्ट्री कुछ नहीं पता है। दोनों ही अलग अलग राजधानी के, कौन से राजा थे? वो तो राधे कृष्ण को अलग और लक्ष्मी नारायण को अलग समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ तो वो ही राधे कृष्ण और वो ही लक्ष्मी नारायण। कौन से संगम में? क्यों? कृष्ण की आत्मा अलग और विष्णु का मालिक बनने वाले लक्ष्मी नारायण अलग, एक कैसे हो जाए? एक कैसे हो जाए? कृष्ण विष्णु का मालिक बनता है 5 करोड़ का? अरे यहाँ प्रवेशता की बात है, सीधी सी बात। यहाँ तो वो राधा कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश है, तो जो प्रवेश है वो तो दिखाई नहीं पड़ती। जिनमें प्रवेश है वो भी तीसरे ज्ञान के नेत्र से देखी जा सकती है। तो ये बातें बात ही कहती है, और तो ब्रह्मा कुमार कुमारी इन बातों को बैठ समझ नहीं सकते। अगर समझे और कह दें कि शिव भगवान बात है तो सब उनको बगाए कह तुम ये फिर कहां से सीखी, कैसे कराए? ये कहां से सीख के आए? या तो यहाँ की पढ़ाई पढ़ो और जाए ना, या नहीं तो जाओ। तुम फिर ये कहां से सीख कर आएगी? वो कौन सा तुम्हारा गुरु है? नाम बताओ।
सह ब्रह्मा कुमार कुमारी है तो सब दिलाया तुम अग्नि ब्रह्मा कुमार कुमारी जिनको तुमने जिन्होंने तुमको ज्ञान दिया फिर उन्होंने राजा ही चट्ट हो जाए ऐसे बहुत आते लिख कर भी देते हैं फिर गुम हो जाते क्या लिख करके देते लिखते पत्र लिख करके देते हैं कि हम पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए हमारे माता पिता ये हैं गुम हो जाते बाप तो बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते बहुत सारी दृष्टि लगाते तो बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो फिर मिल जाता है तो उनको बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं पढ़ाते हैं फिर जब बड़ा होता है तो कहेंगे अब अपना धंधा करो बच्चों की परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं तो बाप बच्चों को सर्वेंट कहना है ना ये बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते भूलो की तो बाप समझेगा बच्चा बड़ा होगा अपने धंधे में लग जाए फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा पूरा करेगा ये बाप तो सेवा नहीं मांगते क्या सेवा नहीं मांगते हैं ये है निष्काम लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना ये कामना रखते हैं ये बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ हम राजा ही नहीं करते हम कितना निष्काम और जो भी करते हैं तो उसका फल उनको जरूर मिलता है ये तो है ही सबका बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजा ही देता तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ यहाँ आत्मा अंडे में चल रही थी आत्मिक स्थिति तो तुम भी हो ब्रह्मांड के मालिक परंतु तुम राजा ही लेते हो और दबाते हो मैं राजा ही नहीं लेता हूँ मैं दबाता हूँ मैं तो हूँ फकीर मेरा तो चित्री क्या बता रहा फकीर का फकीर तू राजा ही का ताज है क्या हम न राजा ही लेते हैं न दबाते हमारा ड्रामा में ये पार्ट है तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते बाकी सब तरफ शांति मांगते वो गुरु लोग कहते हैं सुख काज विष्ठा समान स्वर्ग तो मिलेगा नहीं बुद्धि में बैठ रहा है क्या वह हम स्वर्ग में पहुंचने वाले आए नहीं तो क्या कहते हैं हम गुरु करते स्वर्ग के सुख काग विष्ठा ऐसा स्वर्ग हमें नहीं ऐसा सो इसलिए वो शांति ही चाहते उनको सुख की दुनिया इस जन्म में मिलनी ही नहीं वहां जाके जन्म लेंगे अगले जन्म में जाकर के भले स्वर्ग में जाए इस जन्म में तो उनको स्वर्ग मिलनी नहीं तो कहते हमें तो शांति चाहिए मुक्ति चाहिए हमें जीवन मुक्ति नहीं चाहिए ये नॉलेज वो उठा नहीं सकती उनको सुख का पता ही नहीं है बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूँ चाहे शांति का वर्षा चाहे सुख का वर्षा बाकी सब दुर्गति में ले जाने वाले कहते हुए त्रेता में तो गुरु होता ही नहीं वहां रावण ही नहीं
वो है ईश्वरीय, वो है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प राम राज्य आधा कल्प रावण, ये ड्रामा बना हुआ। ये बातें और किसकी बुद्धि में बैठेंगी? तो बच्चों को अच्छी रीति धारण करके और उनकी पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो संगम इंद्र, बाकी सब है कलयुग पर। कौन है जो जानते हैं कि हमारे लिए नई दुनिया की स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है और हमको इसी जन्म में उस राजधानी में राज्य करना है? तो तुम हो संगम पर। अब जिनकी बुद्धि में नहीं है वो समझते हम मर जाएंगे फिर हम जाके स्वर्ग। तो वो समझते हैं कि हम मर जाएंगे फिर मुक्ति मिल जाएगी, और तुम क्या समझते हो कि हमको जीते जी मुक्ति में जाना है, जन्म जरा मरण के दुखों से मुक्त मुक्त हो जाए। तो बाकी सब है कलयुग, जो ऐसा समझते हैं कि मर करके हम स्वर्ग में जाएंगे वो सब काय में है कलयुग, और तुम हो मन। वो तो कल्प की आय ही लाखों वर्ष कह देते हैं, घोर अंधियारे में उनको निश्चय कुछ भी नहीं है कि कल्प कब पूरा होगा। अगर उनको निश्चय हो तो इतनी बड़ी बड़ी महल मारियां अटारियां बनाने में अपना पैसा बर्बाद न करे। विजय तो पांडवों की गाय हुई पड़ी है, वो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, वो है जिस्मानी ब्राह्मण पंडित। आजकल तो सन्यासी आदि सब घुस गए साय में प्रवृत्ति में, वो भी यात्राएं कराते रहते हैं। कौन? साधु सन्यासी भी नहीं तो सन्यासियों को यात्रा पर जाने का हुक्म नहीं है, क्यों यात्रा कराते हैं? यात्रा कराएंगे तो कुछ न कुछ पैसा मिलेगा, तो वो भी यात्राएं कराते हैं। वो तो जंगल में जाकर रहते हैं, परंतु आजकल तो है ही तमो प्रधान। वास्तव में ये हठयोगी सन्यासियों का धर्म अलग है, तीर्थ यात्रा कराना धर्म किसका है? तीर्थ यात्रा कराना ये है धर्म भक्तों का, गृहस्थियों का। लेकिन सन्यासी लोग भी अब तीर्थ यात्रा कराने लग पड़े, गृहस्थियों का धर्म अलग है। वो सन्यासी लोग तो स्वर्ग में जा ही नहीं सकते, उनके लिए ज्ञान और भक्ति नहीं है। सन्यास कर दिए, संपूर्ण त्याग कर दिया, सम माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग। तो फिर सुख की तुम्हें क्या इच्छा रही? न तुम्हें सुख चाहिए न दुनिया चाहिए, फिर ज्ञान की दरकार है नहीं, न ज्ञान की दरकार और न भक्ति की दरकार है। ज्ञान और भक्ति तुम्हारे लिए है, किसके लिए? गृहस्थी के लिए। भक्ति भी तुम आधा कल्प करते हो फिर ज्ञान पाते हो। सन्यासियों के लिए तो ला नहीं है जो शास्त्र आदि पढ़े वह तीर्थ यात्रा करे, लेकिन पेट के लिए पढ़ते हैं। ये तो गृहस्थियों का काम है, शास्त्र आदि पढ़ना, तीर्थ यात्रा आदि जाना, गृहस्थी का ये काम क्यों है? सन्यासी को क्यों नहीं? वो तो विकारों से मुक्त हो गए। जब कहते हैं कि हम विकारों से मुक्त हो गए तो फिर इन धंधों की क्या जरूरत? और तुम तो अभी गृहस्थी हो, भिखारी हो, अपने को कहते हो हम पतित नीति भिखारी हैं, हमको क्या बनना है? हमको पावन बनना है। उनको भिखारी कह दो तो उनको बहुत जोर से गुस्सा आ जाए। तुम हो ब्राह्मण,
ये तो है सबसे बड़ा भारी बेहद का ईश्वरीय यज्ञ। वो हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, ये रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है, सत्यु त्रेता में फिर कोई यज्ञ नहीं होता, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात ही नहीं, वो है सब हद के यज्ञ और ये है बेहद का यज्ञ। वो यज्ञ बार बार होते हैं, बार बार आपदाएं आती रहती और यहाँ तो एक यज्ञ एक बार होने के बाद फिर कोई हजारों साल आपदा आने वाली नहीं, वहां रावण राज्य ही नहीं होता, रावण राज्य शुरू होने से फिर ये सब शुरू होते हैं। बेहद का ये एक ही बार यज्ञ होता है, इनमें ये सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात, योग अर्थात याद, याद अक्षर बहुत नीच है, योग अक्षर तो कॉमन हो गया है, योग का अर्थ कोई समझते नहीं है, तुम समझाए सकते हो योग अर्थात बाप को याद करना, तब ही विकर्म विनाश होंगे। हट योग तो बहुत ढेर हो गए हैं, ये तो है याद, योग अक्षर भूल जाओ, बाप को याद करना। बाबा आप तो हमको वर्षा देते बेहद का, आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए, हम तो आपको भूल गए थे, आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आप आकर के हमें मिले हो, आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे, ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करेंगे। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बता, हम कल कल भूल जाते हैं, अभी आप हमको फिर अभूल बनाते, इसलिए अब बाप को याद करना है, ये याद से ही वर्षा मिलेगा, मैं जब सन्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ। तब तक गाते रहते हैं तुम दुख हरता सुख करता, महिमा गाते हैं परंतु न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते, अभी तुम समझते इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ लगा हुआ है, ये बाप समझाते, उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा, जैसी आत्मा परम, बाकी कोई बड़ा अखंड सूर्य मिशन नहीं है, हम तो टीचर मिशन पढ़ाता रहता हूँ और क्या करता हूँ, कितने ढेर बच्चे हैं, ये क्लास को देखो कितना वंडरफुल है, कौन कौन इसमें पढ़ते है, अब लाए कुछ जाए साधु भी एक दिन आकर के इसमें क्लास में बैठेंगे, ऐसे नहीं कि वो नहीं बैठेंगे, बुढ़िया छोटे बच्चे आधे सब पढ़ते हैं, ऐसा स्कूल कब देखा, इसमें है याद की बड़ी मेहनत, ये याद ही टाइम लेती, याद का पुरुषार्थ करना ये भी ज्ञान है ना, याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान, नेचुरल सच्चा सच्चा क्योर इसको कहा जाता है, वो तो ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी कर लेंगे, वो भी थोड़े समय चलती है, फिर जो बच्चे हो जाता है शरीर, और ये है नेचुरल क्योर याद से, इसमें तो एक बार अगर प्योर और पूरा क्योर बन गए, कंचन काया बन गई, तो फिर जन जन्म के लिए कोई दवाई कराने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, वो होती है शरीर की क्योर, वो पत्तों को पानी देते हैं और तुम बीज को जड़ को पानी देते हो, ये आत्मा की क्योर होती है, आत्मा ही खाद पड़ती है, सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है, अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सन्मुख आया हुआ है, यहाँ बच्चे क्या जानते हैं कि शिव बाबा सन्मुख आया हुआ है, बच्चे फिर अपने घर जाएंगे तो कहेंगे मधुबन में बाबा ब्रह्मा द्वारा मुरली चलावेंगे, फिर वो मुरली हमारे पास आवेगी, बुद्ध योग मधुबन की तरफ चला जाता है, सवेरे सवेरे शिव बाबा मुरली चलाता हो, बच्चों को बाप को जरूर याद करना, कैसे याद करना, घर में जाओगे तो याद कैसे करना, तो तरीका बताया अभी, हाँ
बच्चों को बाप को जरूर याद करना है, हमको अब वापस जाना है इस पार से उस पार जाना, बाप को और वर्षे को और घर को याद करो। वो है स्वीट साइलेंस, सुख होता है शांति से और सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, वहां लड़ाई झगड़े आदि की बात नहीं होती। तो बच्चों को कोरोना यही होना चाहिए, हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बने, सभी युग की पद पावेंगे। ये नहीं कि अभी हम समझ के बैठ जाए कि हमको बाबा ने ऊंच पद दे दिया, अब हम हवा में शासन करें, हुकुम चलाएं। हुकुम कब चलावेंगे, ऊंच पद कब पावेंगे, जब जब सतो प्रधान सच्चा सोना बनेंगे, तब ये रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। उगारना मन मंथन करना चाहिए, आज कौन कौन सी मुख्य पॉइंट सुनो, उगारना चाहिए। ये भी समझाया है, ये यात्राएं दो होती है, एक होती है रूहानी यात्रा और दूसरी होती है जिस्मानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा कौन कराता है, साधु सन्यासी पंडित वो कराते हैं जिस्मानी यात्रा। चलो पहाड़ पर जड़मूत्री मूर्ति के सामने, और यहाँ यहाँ कोई जड़ मूर्ति के सामने ले जाने वाली बात नहीं है, यहाँ किसी से कहना भी नहीं है कि तुम चलो, वो कहना भी फिर भक्ति का काम हो जाता है। जिसकी बुद्धि में बैठेगा बाप का परिचय वो तो रह नहीं सकता, जिसकी बुद्धि में निश्चय बैठेगा वो एक सेकंड मिले बगैर रह न सकते। तो हमको तो ज्ञान सुनाना है, रूहानी यात्रा पर ले जाना है, किसी को जिस्मानी यात्रा कराने के लिए कहने की दरकार नहीं है। तो भगवान वाच मन मना भव, मन मना भव का अर्थ क्या बताया, मन मना भव, मन मना भव, मन में ना हलंत है, संधि होने से ता का ना हो जाता है, मत मना भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जा, हो जा, मेरे मन में समा जा, अर्थात मेरे मन में जो संकल्प चल रहे हैं वही संकल्प तेरे मन में चलने लग पाए। अगर संकल्प तक भी विरोध है तो मन मना भव, वाचा और कर्मणा की तो बात ही बहुत है, वाचा में टकराव होगा तो भी लड़ाई होगी, और कर्मणा से कोई एक कर्म कर रहा है दूसरा उसके विपरीत कर्म कर रहा है तो भी टकराव होगा, तो मन मना भव नहीं। इसलिए अगतवाणी में क्या बोला कि संकल्प भी वेरीफाई कराना है, करना है, ये बाप समान संकल्प है। अगर बाप समान संकल्प नहीं है तो संकल्प को भी चेंज करो, नहीं तो क्या होगा, बाप एक तरफ चलना चाहेगा चलाना चाहेगा और हम दूसरी तरफ चलेंगे तो टकराव हो जाए, उसमें फिर नुकसान किसका होगा, बच्चों का नुकसान होगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमन, जिस्मानी बच्चों को मैं नमन नहीं, देहंकारी बच्चों को मैं झुकने वाला हूँ नहीं। जानते ना बाबा का है, मंदिर आने का भगवान सरकार कोई नहीं।
भी ऐसे ही हो। अभी तो बात बाबा को तुम बचे आत्मा देवता बन जाए तो बनेंगे पुण्य शिव बाबा। अब क्या की सनातन देवी देवता स्थापना हो रही है हुई नहीं है शिव बाबा को सिद्ध करें। अभी तक शिव बाबा नहीं कर पाया और सभी धर्म फिर विनाश हो गए। देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी तो क्या होगा क्या पहचान होगी और सब धर्म का विनाश हो जाएगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गुरुद्वारे भांति भांति के बने हुए ये सब सब टूट जाएंगे। एक और एक ही बड़ा मंदिर रह जाएंगे बहन भी है ब्रह्मा द्वारा है तो जा रहे तो देवता धर्म की इच्छा है। कौन सी ब्रह्मा द्वारा संपूर्ण ब्रह्मा जी द्वारा देवता धर्म की स्थापना बाप समझाते हैं जो कुछ पास हुआ वो ड्रामा नहीं गीता की कितनी टीका की टीका है गाँव से भी ऊपर टीका है तीन और वेद शास्त्र आदि उपनिषदों की कितनी टीकाएं नहीं की है जितनी गीता की टीकाएं की गीता मैंने क्लैरिफिकेशन अपने 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 तरीके मुर्गी बोला जो घर के रूप था उसने जाकर के अपनी गीता ये हमारी गीता ज्ञात कर दी है कहा होती है ब्राह्मण संग में भी बात की छूटी होती है। बाप के बच्चे बनते हैं मेरे ही बच्चे मेरी सब विद्यार्थी ज्ञान ज्ञान करते हैं गीता की कितनी टीकाएं कर ली और वेद शास्त्र जितने जितनी टीकाएं नहीं है जितनी घी करती हाँ इन शास्त्रों में कुछ एडिशन करती है शास्त्रों में कुछ ना कुछ ऐड किया है मिलावट किया है। जैसे नानक का ग्रंथ कितना छोटा था पहले छोटा था फिर बाद में बड़ा नहीं है तो जरूर उसने ऐड किया है। आदि की इतनी चीज आई नहीं जितनी गीता की थी अभी तो ग्रंथ कितना बड़ा हो गीता भी पहले छपाई वाली गीता नहीं थी भाई छापे की गीता हो गई तो बाप है कितना बैस समझाते कल पहले भी तुमको समझाया था कि अपन को आत्म समझे नीचे बच्चों इसीलिए बच्चों पांच चार वर्ष के बाद आज दिन अपन को आत्मा समझ मुझे बाप को याद सन्यासी आदि तुम ये बातें समझाने की तो आते ही वो सहज रह गई कि क्या जाने भगवान की सुनाई नहीं बात सन्यासी कैसे समझा सकते भगवान ने प्रवृत्ति मार्ग में रहकर के राजयोग सिखाया और सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले दो साल के बाद ना आने तो भगवान की गीता सुनाई हुई प्रवृत्ति मार्ग वाली वो कैसे सुना सकेंगे उसमें उसके धर्म की स्थापना कैसे करेंगे बात नहीं समझाते हैं बच्चे तुम अपन को आत्मा समझो तुम मेरे बच्चे हो तुम न देवताओं के हो और न मनुष्यों के बच्चे हो तुम किसके बच्चे हो
راما پلان انسار تم لالوں کو 84 جنم بھوگنا تھا وہ ابھی پورے ہوئے رمان کا چکر پورا ہوا اب نتیا بدھی کا چکر پورا ہوا ہوا جب ہی رہا ہوا میکسیمم 84 جنم کہہ دیتے ہیں منیمم بھی کلپ کلپ تم کو ہی آ کر کے سمجھاتا ہوں اور انیک بار سمجھایا پھر بھی بندر لگتا ہے جو تم پھر بھول جاتے نیچے ابھی بات سمجھاتے ہیں بچے اب بھولو مت اپن کو آتما سمجھو بھولتے کیوں بے اہنکار میں آتی ہیں تو باب مشکل میں بھی نکل جاتا ہے کہتے بھی ہمارے اندر آتما ہے میں آتما ایک چھوڑ ایک شریر چھوڑ دوسرا لیتا ہوں ہم آتما وناشی ہے شریر وناشی ہے باقی 84 لاکھ جنم شونی ہے تو پھر کلپ کی آئے بھی بہت بڑھائی گی باپ سمجھاتے ہیں یہ سبھی پستک آدھی بھکتی مارگ کی ہیں وہ بھی پستک کیوں نہیں یہ سبھی پستک ہے بھکتی مارگ کی ہیں جان مارگ کا کوئی پستک ہوتا نہیں یہ پڑھ کے آ رہے ہیں سن کے آ رہے ہیں پستک نہیں باپ سمجھاتے ہیں یہ سبھی پستک آدھی بھکتی مارگ کی اور دھرموں کی ستھاپنا کی جو بھی شاستر ہیں ان کا نام بھول ہے ان کا سمے بھی ہے ان شاستروں کا نام بھی ٹھیک ہے ان کا اپنا سمے بھی ہے سبھی کہتے ہیں کہ ان کو اتنا سمے ہوا قرآن کو اتنا سمے ہوا بائبل کو اتنا سمے ہوا فلانا سمے دھرم کی کا آیا باقی سوری ونسی چندر ونسی ڈینائسٹی کا الگ الگ سونے کا رسم کرنا سوری ونسی وہ دھوکا نہ کم نہیں تو یوگوں کی آئے ایک ہونی چاہیے مکھ بات نہیں یہ ہے جو باپ بس سمجھاتے ہیں سنیاسی ودوان آچاریہ آدھی اپنی سمجھیں گے ان کو ایسے کوئی نئی بات ہوتی ہے تو راجا کے پاس جاتے ہیں وہ فرمان کرتے ہیں تو وہ بات سبھی کے پاس پہنچ جاتی ہے یہاں راجا تو کوئی ہے نہیں تو یہ نئی بات کس کو سمجھانی یہاں تو ہے پرجا کر اوپر پرجا کرا دی یہاں راجا جیسے کون بنے بیٹھے ہیں یہ سنیا سی تو ان کو یہ باتیں یہ بڑی سے بڑی بھول ہے میں بھی تم کو ڈرامہ انوسار سمجھاتا ہوں مسٹیک کو کیوں نہیں سمجھاتے ہیں لمبا سمے ہو گیا سمجھاتے سمجھاتے پردرشنی لے لے
कॉन्फ्रेंस करते करते गीता का भगवान कौन है? निराकार शिव है, उसमें देवता नहीं है, विद्वान पंडित आचार्य मानते क्यों नहीं? क्योंकि जो भूल खुद ही कर रहे हैं तो दूसरों के वो भूल मनवा नहीं सकते, खुद ही समझे बैठे हैं गीता का भगवान साकार है। इसको समझ लिया, ब्रह्मा को समझ लिया। तो दूसरों की भूल कैसे समझ सुधार सकते? अब वो सन्यासी जो देवी देवता धर्म के हैं उनों का कोई कनेक्शन है नहीं, है ही निवृत्ति मार्ग वाले। देवी देवता धर्म तो बहुत प्राचीन है, सन्यासी को गीता का क्या पता? पराई बातों में घुस पड़े अभी उन्हों से फिर बैठ करके गीता सुनना, गीता तो उन्हों से पहले थी जो फिर और भाषाओं में ट्रांसफर करते रहते। क्या था सन्यासी है बाद वाले बाद में आए और गीता उनसे भी पहले की, ब्राह्मणों की दुनिया में भी चैतन्य गीता होगी वो पहले होगी। भगवान आके पहले क्या रखते हैं? गीता माता को रखते हैं, फिर और उनका जन्म होते हैं। इसे संस्कृत जानते हैं तो फिर मैच बनाते हैं। मैं थोड़े ही संस्कृत के श्लोक आगे सुनाता हूँ, मैं कायद कौन सी भाषा में सुनाता हूँ? मैं तो हिंदी भाषा में सुनाता हूँ, ये है बिल्कुल नहीं बात। भगवान कोई शास्त्र में लिखता नहीं है, वो तो सिर्फ मुख से सुनाता है, जो मुख से डायरेक्ट सुनते हैं वो बाप के बच्चे बाप से ही पद पाते, क्योंकि बाप तो बच्चों से ही बात करेंगे और उनसे बात नहीं करते। पहली बात तो बाप कहते हैं बच्चे चैलेंज करो, जैसे तुम बच्चों को पानी ही कभी तुम्हारे माँ आगे माथा झुकाने वाली, अगर समझ जाए तो, अगर तुम उन्हें समझा ही नहीं सकते तो माथा भी नहीं झुकाएंगे। इतने बड़े बड़े साहूकार लोग उन सन्यासी के पास जाते सन्यासी विदेशों में जाकर के गीता का ज्ञान सुना रहे। इतने बड़े बड़े साहूकार लोग जनसंघ के पास जाते हैं, 33 लाख की तो उनके पास एक कार है, बिल्कुल उसमें बचाव है, जो गोला भी अंदर न जा सके, गोली मारे या गोला मारे वो भी अंदर नहीं जा सकता। गोली मारे या कुछ भी करे अंदर गोली जा न सके, परंतु ऐसे थोड़े ही जो मोटर में सदा बैठे रहेंगे जो बच जा रही है, गोली दोबारा ही मार सकती, देरी नहीं लगती। गांधी बापू जी को भी देखो कैसे मार डाला, गांधी जी को तो फुल गोली से मार डाला, नाथुराम गोडसे गोली
और यहाँ तो कोई ना बात भी ऐसी बोली जागी गुरु की पाँव में ऐसा घाव हुआ कि हाथ फेल हो गए। तो देर नहीं लगती शिव को कैसे गोली मारेंगे। कृष्ण को मारेंगे क्योंकि शरीर है लाश जन्म में गोली मार सकते हैं। सचिव के कृष्ण को तो गोली मारनी थी बात ही नहीं। मैंने बोला ना कृष्ण को मारेंगे तो क्या सचिव के कृष्ण को मारेंगे। सचिव के कृष्ण को तो गोली मारने की बात ही नहीं। वहां तो गोली मार ना गोली होगी ना गोली मारने वाले होंगे वहां तो हिंसा होती है तो कौन से कृष्ण की बात करें। जी कृष्ण को नहीं गोली या हम बात करते हाँ ब्रह्मा की बात बताई उसके लास्ट जन्म में ब्रह्मा को गोली मारेंगे क्योंकि शरीर है माने देह अभिमान है तो गोली मारेंगे। लक्ष्मी नारायण जो संपन्न है उनको देवान होता नहीं तो उनको तो कोई गोली तो क्या किसी प्रकार का कोई दुख दे ही नहीं सकता। कर्मों का हिसाब किताब है पूर्व जन्मों का देवान है तब तक हिसाब किताब है। जब देवान नहीं रहेगा तो हिसाब किताब भी चला जो कोई गोली वोली मार नहीं सकी तो शिव को कोई गोली मारेंगे। शिव तो है दिन भी देवदारी को गोली मार दो बलाप हो जाएगा योगा में क्या करेगा धीरे धीरे प्रवेश कर जाएगा। देवताओं को वहां कोई मार देंगे यहां क्यों कह दिया कृष्ण को मारेंगे क्योंकि शरीर है। हाँ कृष्ण की आत्मा जब अपूर्ण शरीरधारी है तो उसको गोली मारी जा सकती है। तो वहां सचिव में तो ऐसी बात होती है विवेक कहता है यहाँ तो है सभी मनुष्य मनुष्यों में मार हमारी और इसको भी छोड़ते नहीं चाहे कोई बड़े का बड़ा हो चाहे कोई छोटे से छोटे। बाप कहते हैं ये सभी ब्राह्मण ऐसा बना हुआ है वहां तो मारने की बात ही नहीं होती। अपने टाइम पर अपना आप ही तेरी छोड़ बच्चा बन पाट गया ये सभी बातें तुम अभी सुनते हो। धर्मशास्त्र में शिरोमणि गीता कहा जाता है क्या सर्वशास्त्रमयी कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिसके श्रेष्ठ सिद्धांत गीता में न हो। सर्वशास्त्रमयी शास्त्रों की शास्त्रों में जितने भी जितने प्रकार के शासन हैं विधान है कंट्रोल करने की नियमावली है वो सब गीता में समाई हुई है। तो गीता है उन स्थितियों में और उस तरह कहता है पूछते हूँ भगवान अभी भगवान की पूछ रहे जो ऐसी गीता की रचना करता है। भगवान देख ही निराकार कृष्ण भी देवता है उनको भगवान कैसे कह सकते पत्थर मित्र को भी भगवान कह देते हैं पत्थर बुद्धि ने उनको भी भगवान कह देते ज्ञान मार्ग में भीत रखा दीवान बनकर के खड़े हो जाते हैं उनको भी भगवान कह देते। भगवान
भगवान को पत्र लिखकर यह हो नहीं सकता। बाप जानते हैं तुम्हारी विजय आखिर जरूर होगी। बड़े बड़े विद्वान आदि को तुमको समझाना है, समझेंगे जरूर, बहुत आती रहेंगे। जबकि तुम समझाते हो तो वो क्यों नहीं समझे? इससे मैं नहीं समझती, क्योंकि उनकी बड़ी राजाई है। जैसे राजा होते हैं, एक राजा को लाखों प्रजा होती है। वैसे एक एक गुरु हैं, कितने लाखों के अंदाज में उनके शिष्य होंगे। आगा खां को देखो, कितनी उन्हों को इज्जत मिलती है। मिलों में भजन करके उनको दान दे दिया। अंधश्रद्धा देखो कितनी है। अभी सन्यासी तो है निवृत्ति मार्ग वाले, उनको फिर गुरु क्यों बनाते हैं? बड़े बड़े करके राजा आदि भी संन्यास धारण करते हैं, समझते हैं घड़ी घड़ी खिटी खिटी के वो अच्छा है। ये तो बंधन है, तो कुछ भी बंधन होता है क्या? अनुसार एक बच्चा होता है, एक बच्ची होती है, वहां बंधन की बात ही नहीं। बंधन अक्सर दुख का है। और संबंध अक्सर सुख का है। आज के संबंध भी संबंध नहीं रहे, लेकिन बंधन हो गए। वहां कटिंग में होता ही है संबंध, और यहाँ होता है बंधन। बात आकर बंधनों से मुक्त करके संबंध में ले जाते, उसके बंधनों से मुक्त करके सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध है सुख का, बंधन है सुख का। आप फिर भी समझाते हैं गीता के भगवान के लिए आप अपने राय करो। कॉन्फ्रेंस तो होती ही रहती है, इसमें पूछो ये तो बताओ, सर्वशास्त्र में श्रीमद् भगवद् गीता किसने सुनाई? देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? राजयोग किसने सिखाया? सन्यासी लोग आपस में शास्त्रार्थ तो बहुत करते हैं, बनारस में उन्हों का स्थान है। हाँ, कहाँ स्थान है? यहाँ ज्ञान का रस बना, यहाँ सभी आकर के शास्त्रार्थ करते हैं। क्या कहते हैं इस शास्त्र में ये लिखा हुआ है, शास्त्र में ये लिखा है, तुम ऐसे क्या क्या कैसे कहते हैं? बनारस में बहुत करते हैं, फिर कोई जीत पावे न पावे, लेकिन शास्त्रार्थ जरूर करते। एक एक को 30 रुपए देते क्या? 30 रुपए देते हैं। और यहाँ भी ऐसे ऐसे शास्त्री हैं जो शास्त्रों को हवाला देते रहते हैं। क्या मुर्गी ने कहा, मुर्गी ने कहा, मुर्गी ने कहा, उनको तो 21 रुपए देते हैं। और यहाँ ऐसे शास्त्रियों को क्या देते हैं? साक्षात करने वाले सन्यासियों को क्या देते हैं? 21 जन्म भी बाधता ही बाप देते हैं, बाधता ही मिलती नहीं, 21 जन्म मिल जाते हैं। बड़े ही खास से उनकी सवारी निकलती है। हाँ, सवारी उनकी बड़ी साफ से निकलती है, खजाना साफ में रहता है। हाँ, आजकल तो सन्यासी देखो पायलट बन
ऑनलाइन चलाते रहते हैं। कोई व्यक्ति के पास एरोप्लेन नहीं होगा, कन्यासियों के पास इतनी संपत्ति नहीं है कि एरोप्लेन खरीद करके चलाते हैं। है ये सभी अनुसंधान समूह प्रधान बनने से शायद ये आपस में खत्म हो गए। तो बात समझाते हैं, ये सभी ड्रामा अनुसार समूह प्रधान बुद्धि है तो वहां पर क्या हल हो। समूह प्रधान बुद्धि है तो अवैध बुद्धि सिद्धि धन समृद्धि सब चीज करते रहते। ऐसा राम के साधन इकट्ठी करते रहते और जब चतु प्रधान के तो घर बार छोड़ करके धन समृद्धि की दुनिया छोड़ करके जंगल में जाकर रहते। नहीं तो सन्यासियों को एरोप्लेन में चढ़ने आदि की क्या दरकार है। प्राचीन ऋषि मुनि आदि तो जंगल में रहते। एरोप्लेन में चलते जल्दी भगवान के पास पहुंच जाएंगे। भगवान साधनों से नहीं मिलता, भगवान का ही मिलता है, साधना से मिलता है। पिछाड़ी लाने को और ही साहूकार हो गए। पहले की सन्यासी इतने नहीं थे, ये पिछाड़ी लाने को और ही साहूकार हो गए। तो मूल बात ये दिल में रखो, तुम्हारी विजय किस बात से होगी और कैसे होगी। जबकि इन्हों को समझाओ, इन्हों को इन सन्यासियों की बुद्धि में बैठाओ क्या कि गीता का भगवान ब्रह्मा नहीं है। गीता का भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा राम बाप है। सब अंत में ये भी कहेंगे राम नाम सत्य है। अभी तो नहीं मानते, जब मरने पर आते हैं तब मुंह से निकलता है राम नाम सत्य। क्योंकि तो अभी राजा ही है, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। राजा है तो मैं तो बनता हूं पानी। यह तो जिन लोगों को मिलता है तो बच्चों को ये विचार करना है कॉन्फ्रेंस जल्दी जल्दी होती है वहां जाकर के इस बात को उठा दे। क्या जल्दी जल्दी कॉन्फ्रेंस होती है उन कॉन्फ्रेंस में इस बात को जाकर उठा दे कि गीता का भगवान सच नहीं है। गीता का भगवान कोई साकार देहधारी ब्रह्मा नहीं है। कोई माता खड़ी हो जाए तो अच्छा है। क्या कोई माता इस बात पर खड़ी हो जाए तो अच्छा है। कन्याओं में दम नहीं है क्या? तो ऐसा कोई नहीं, बस देखने में नहीं आता। इतना जल्दी वो हार मान ले तो हथियार आदि सही छोड़ दे। एक राजा ने हराया तो बाकी प्रजा कहां जाएगी? रिवोल्यूशन हो जाएगा, सरखंडा मच जाएगी। जिन ब्रह्मा कुमारियों को इतनी गालियां मिलती थी आज उनके विजय मिल गई, ऐसा सरखंडा मच जाएगा। लेकिन शुरू बाबा को गाली मिलती है, कहेंगे अरे वो तो भगवान है। अभी क्या मिलती है शिव बाबा? अभी तो बड़ी गली मिलती। हम मुफ्त में गाली देते थे ऐसे पश्चाताप करेंगे तो ये सभी होना है। तुम अभी ये ही अभिमानी बनो, कमजोरी कहाँ है? तुम बच्चों में कमजोरी है। आज तो अभी बाप को याद नहीं कर सकते मारे गए हनुमान जी, जिसे विक्रम विनाश हूँ। योग का जौहर बड़ा अच्छा चाहिए, तलवार में जौहर होता है, वो तलवार
बहुत तीखी होती 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 बहुत तीखी होती